देवघर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय के द्वारा आज देवघर समाहरणालय परिसर में आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फैसिलिटेशन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर देवघर उपायुक्त ने कहा कि फैसिलिटेशन कॉर्नर के उद्घाटन का हमारा ये मकसद है कि समाहरणालय में देवघर जिले के काफ़ी लोग संख्या में आते हैं, तो हमने यहाँ एक ईवीएम मशीन रखा है। जिनको वोट देने में दिक्कत है या वो समझ नहीं पाते, वैसे लोग यहाँ आए ईवीएम मशीन के जरिए मॉक ड्रिल कर ये समझ सकें कि मतदान कैसे करना है और ये समझ सकें। लोगों ने आज यहाँ समाहरणालय में एक फैसिलिटेशन कॉर्नर का हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है। उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं, तो समाहरणालय में हमारे सभी ज़िले के वासी हैं, हमारे सरकारी कर्मी हैं, ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए एक ईवीएम भी हम लोगों ने रखा है। वो आके यहाँ मॉक पोल कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया समझ सकेंगे, अगर उनको वोट करने में अगर किसी प्रकार की कठिनाई होती है। और भी जो हमारे चुनाव संबंधित अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जैसे 1950 जो कंप्लेंट नंबर है, जिसपे चुनाव संबंधित वो जो भी उनको अगर कोई प्रश्न है वो इस पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक, 9 AM to 9 PM। और साथ ही साथ सी विजिल की भी हम लोग यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं, जो कि एक ऐप है जिसके माध्यम से किसी प्रकार की अगर शिकायत हो एमसीसी वायलेशन से या अन्य कोई भी शिकायत हो चुनाव संबंधित, वो उस एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी है। अविनाश वर्मा के साथ अजीत संतोषी की रिपोर्ट।